शांति। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय में हम कर्म योग की और गहराई को समझेंगे। जिस तरह से दूसरी अध्याय में भगवान ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया और यथार्थ कर्म योग इसको कहा जाता है, उसकी डेफिनेशन भी, और स्थित प्रज्ञ स्टेबल माइंड के साथ कैसे वो कार्य कर सकता है उसके विषय में भी स्पष्टीकरण दिया। दूसरे अध्याय में सबसे हाईलाइट की बात यही थी कि प्रैक्टिकल जीवन के अंदर अगर हमें गीता का एप्लीकेशन करना है तो कैसे आत्मा के स्वधर्म को लेकर के हर कर्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सात गुण यही जीवन के हर संघर्ष में हमें विजयी बनाता है और हमें इंटरनल एक सेटिस्फेक्शन देता है, जीवन जीने का सेटिस्फेक्शन मिलता है। आज मनुष्य जीवन में फ्रस्ट्रेशन इसीलिए है क्योंकि सात गुणों के बदले हमारे प्रैक्टिकल जीवन में, कर्म में सात अवगुण आ गए हैं और ये सात अवगुण ही अनेक प्रकार के दुख, अशांति, फ्रस्ट्रेशन की जड़ मानी गई है। आज तीसरे अध्याय में अर्जुन के मन में एक सवाल आया और वो सवाल उस अर्जुन के मन में खाली नहीं है लेकिन हम सबके मन में भी शायद ये सवाल उत्पन्न हो सकता है और इसीलिए अर्जुन प्रश्न पूछता है भगवान से। और तीसरे अध्याय को अगर देखा जाए, डिवाइड किया जाए श्लोक वाइज, तो प्रथम श्लोक से लेकर के आठवें श्लोक तक ज्ञान योग और कर्म योग की आवश्यकता बताई है। नौवें श्लोक से लेकर के सोलहवें श्लोक तक यज्ञ आदि कर्मों की आवश्यकता बताई है। सत्रहवें श्लोक से लेकर चौबीसवें श्लोक तक ज्ञानवान और परमात्मा के लिए भी लोक संग्रहार्थ कर्मों की आवश्यकता बताई। 25वें श्लोक से लेकर के 35वें श्लोक तक अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा
राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। और 36वें श्लोक से लेकर के 43वें श्लोक तक काम के निरोध का विषय, ये काम और क्रोध अग्नि के समान भोग भोगने से कभी न तृप्त होने वाले बड़े पापी है। काम क्रोध आदि से ज्ञान ढका हुआ है। इस बात को जैसे कि परमात्मा ने स्पष्टीकरण दिया है। अब जब प्रथम श्लोक से लेकर के 8वें श्लोक तक ज्ञान योग और कर्म योग की आवश्यकता बताई है, तो अर्जुन का सवाल है, और वो सवाल है कि हे प्रभु, ज्ञान योग श्रेष्ठ है या कर्म योग श्रेष्ठ है? आत्मा का ज्ञान दिया, स्वधर्म का ज्ञान दिया, तो पूछता है क्या मुझे कर्म करना चाहिए या सिर्फ ज्ञान योग करना चाहिए जीवन के अंदर, जो आप लोगों के मन में भी होता है। और यही तो इम्बैलेंस जीवन के अंदर कभी कभी आ जाता है कि बहुत ज्यादा ज्ञान योग करने लगते हैं तो कर्म योग छूट जाता है, यानी जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ये छूट जाता है, या अगर बहुत ज्यादा कर्म में चले जाते हैं तो ज्ञान योग छूट जाता है। तब भगवान कहते हैं कि ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग है और योगियों के लिए निष्काम कर्म मार्ग है। दोनों ही मार्गों के अनुसार कर्म तो करना ही पड़ता है। ये नहीं कि ज्ञानियों को कर्म नहीं करना पड़ता है, कर्म अनिवार्य है। सभी पुरुष यानी आत्मा प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा, प्रकृति से उत्पन्न गुण कौन से हैं? तो 3 गुण बताए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा विवश होकर के कर्म करते हैं, माने जिसकी जैसी प्रकृति होती है वैसे कर्म करते हैं। सात्विक प्रकृति के लोग जो है वो सात्विक कर्म करते हैं, राजसिक प्रकृति के लोग जो है राजसिक कर्म करते हैं, और जो तामसिक प्रकृति के लोग हैं वो तामसिक कर्म करते हैं। जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके, जब मन से सर्वथा अनासक्त होकर कर्मेंद्रिय से कर्मयोग का आचरण करता है तथा अपने शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए आध्यात्मिक पुरुषार्थ में उन्नति करता है, वही श्रेष्ठ है। अब यहां बहुत सुंदर समझने की बात ये बताई है कि दोनों मार्गों के हिसाब से, चाहे ज्ञान योग ले लो या कर्म योग ले लो, दोनों के हिसाब से कर्म तो करना अनिवार्य है। कर्म के बिना व्यक्ति रह नहीं सकता है, लेकिन डिपेंड्स है कि हमारी प्रकृति कौन सी है। तो इसीलिए हमें थोड़ा अपने आप को देखना होगा कि मेरी प्रकृति क्या है, सात्विक, राजसिक या तामसिक, और मेरे कर्म किस हिसाब से हो रहे हैं। आज कलयुग के अंदर देखा जाता है कि अधिकतर मनुष्य तामसिक प्रकृति के लोग हैं, इसीलिए जो मनुष्य कर्म करता है वो भी तामसिक कर्म में चला जाता है, है ना? गुस्सा आया, लोभ उत्पन्न हुआ, अहंकार आया, ईर्ष्या आई, तो ये तामसिक गुण माने जाते हैं। तो ये तामसिक प्रकृति को लेकर के ही ज्यादातर कर्म होते हैं, और इसीलिए मनुष्य का मन विचलित है, क्योंकि कहीं स्वार्थवश कर्म कर रहा है, कहीं इच्छाओं के वश कर्म कर रहा है, कहीं ईर्ष्या के वश कर्म कर रहा है, कहीं लोभ के वश कर्म कर रहा है, गुस्से में आकर कर्म कर रहा है। तो इसीलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं यथार्थ कर्म योग या ज्ञान योग किसको कहा जाता है। तो बहुत सुंदर बात यहां बताई, ज्ञान को प्रैक्टिकल कर्म में जोड़ना। ज्ञान खाली समझने के लिए नहीं है, लेकिन ज्ञान को प्रैक्टिकल कर्म में जब जोड़ते तब सात्विक प्रकृति
हमारी बनने लगती है। इसलिए कहा जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके, क्योंकि मन बहुत विचलित, कहीं इच्छाओं में भाग रहा है, कहीं अभिमान वश चल रहा है, तो इसीलिए जब मन से सर्वथा अनासक्त होकर के कर्मेंद्रिय से कर्म का आचरण करता है तथा अपने शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए आध्यात्मिक पुरुषार्थ में उन्नति करता है, यानी हमारा स्पिरिचुअल जो पुरुषार्थ है उसमें हमें उन्नति करना है, आगे बढ़ना है, तो कैसे बढ़ेंगे? तो उस ज्ञान को प्रैक्टिकल कर्म में जोड़ना। आज मनुष्य जानते हैं कि भाई झूठ बोलना पाप है, ये तो जानते हैं, किसी को गुस्सा करना पाप है ये भी जानता है, ये छोटे छोटे पाप भी एक्यूमुलेट हो रहे हैं, कितने बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति करता है। तो समझ होने के बाद भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं, इसलिए भगवान कहा अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करनी है, उन्नति करनी है। तो जहां स्वधर्म की बात बताई ज्ञान योग में, उस ज्ञान योग को प्रैक्टिकल कर्म के साथ जोड़ना है, तभी हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, तभी हमारी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगी, तभी हम जीवन के अंदर आगे बढ़ेंगे। तो ये अर्जुन का जो प्रश्न था कि ज्ञान खाली समझने के लिए नहीं है, ज्ञान को प्रैक्टिकल कर्म में लाना, क्योंकि कर्म के बिना व्यक्ति जी नहीं सकता है। फिर आगे भगवान ने बहुत सुंदर बात कही है अर्जुन को और यज्ञ का महत्व बताया है, और भगवान कहते हैं यथार्थ कर्म योग किसको कहा जाए, तो यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। अब आज दिन तक हमें यही समझ में आया कि यज्ञ माना क्या, कि यज्ञ माना हवन करना, और हवन करना तो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी और इसीलिए लोग हवन करते हैं, लेकिन यहां भगवान अर्जुन को कहते यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। तो क्या सारा दिन हम हवन करते रहे? अगर यही यथार्थ कर्म है तो फिर आगे कहा जिससे यज्ञ पूर्ण हो, इसके अतिरिक्त जो कुछ भी करते हैं वो बंधन है, माना यज्ञ के अलावा जो कोई कर्म करेगा वो बंधन है। यज्ञ पूर्ति के लिए संग दोष से अलग रहकर कर्म का आचरण कर। अब यज्ञ का आचरण, यहां यज्ञ को हमें समझने की आवश्यकता है कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। दुनिया के अंदर मनुष्य यज्ञ क्यों करता है? आज किसी ने नया घर लिया तो नया घर लेते ही वो हवन करेंगे ताकि उस घर के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है वो नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाए और पॉजिटिव एनर्जी फैले, इसीलिए यज्ञ करते। लेकिन यहां कहा यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, यानी आज मनुष्य जीवन अगर देखा जाए तो मनुष्य जीवन के अंदर कितनी अशुद्धि आ गई है, तो ये जीवन के अंदर अशुद्धियों को मिटाना है और हमें पॉजिटिव एनर्जी को फील करना है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को महसूस करना है, तो कैसे करेंगे? तो जीवन का शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है, यज्ञ से ही शुद्धिकरण होता है। तो जीवन एक यज्ञ है, इस जीवन का शुद्धिकरण करना है, क्योंकि कहा जिससे यज्ञ पूर्ण हो, यानी हमारा जीवन संपूर्ण हो। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी करेंगे इस जीवन में वो बंधन है। तो जीवन के प्यूरिफिकेशन के लिए जो कर्म किया जाता है वो यथार्थ कर्म है।
यज्ञ पूर्ति के लिए सावधानी की बात यह है कि हमें संग दोष से, क्योंकि जीवन को इम्प्योर करने वाली कौन सी चीज है, संग, संग दोष कहा, जो इविल कंपनीज है। तो इसीलिए भगवान कहते यज्ञ पूर्ति के लिए संग दोष से अलग रहकर कर्म का आचरण कर। आज प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, ये जीवन एक यज्ञ है, क्यों? तो यज्ञ के अंदर शुद्धिकरण के लिए कोई भी हवन जब करते हैं लोग, तो उसमें तीन चीजों को स्वाहा करते हैं, जौ जो लंबा होता है, तिल जो सूक्ष्म होता है, और घी। ये तीन चीजों को स्वाहा करते हैं, और ये तीन चीज स्वाहा होने से ही उसका जो एरोमा होता है, उसी से वाइब्रेशंस के अंदर प्यूरिफिकेशन होती है। लेकिन ये जीवन जो अशुद्ध हो गया है, उसका शुद्धिकरण करने के लिए कोई स्थूल यज्ञ की बात नहीं है। लेकिन जौ ये लंबा है, ये तन का प्रतीक है, तिल सूक्ष्म है जो मन का प्रतीक है, और घी लिक्विड है जो धन का प्रतीक है। तो जीवन को अशुद्ध करने वाली यही तीन चीज है, तन मन और धन। कैसे अशुद्ध करते हैं? आज हम एक उदाहरण ले कि पहले के समय में, पहले का जमाना जो होता है, तो उस समय माता पिता से ज्यादा जब जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो दादा दादी या नाना नानी जो है बच्चों को घर में संभालते थे, और शाम के समय में जैसे फ्री होते थे तो दादा जो है वो अपने पोते की अंगुली पकड़ करके उसको घुमाने ले जाते थे। और कहां ले जाते थे? मंदिर में। और मंदिर में घुमाने के लिए ले जाते थे, मंदिर में जाएंगे और वहां जाकर के मंदिर में जाकर के भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ के प्रणाम करते या साष्टांग प्रणाम करते। ये देख करके वो पोता भी साष्टांग प्रणाम करता था, जैसे दादा ने किया वैसे वो बच्चा करता था। और फिर थोड़ी देर में जैसे ही अपनी प्रार्थना पूरी हुई, हाथ जोड़ करके खड़े थे, वो भी खड़ा हो गया हाथ जोड़ करके बच्चा। फिर दादा ने अपनी जेब से 10 रुपया निकाला और वो चैरिटी बॉक्स में डाला। ये देख करके वो पोता क्या करता है, वो भी दादा की धोती खींचता है और कहते दो, मुझे भी दो, आई ऑल्सो वॉन्ट टू पुट, मुझे भी रखना है। अब दादा उसको 1 रुपया का कॉइन देता था, लो रखो, या 1 रुपये की नोट देकर कहते रखो, उसको कोई मतलब नहीं है 10 रुपया है 1 रुपया है, कितना है। दादा ने डाला इसलिए मुझे भी डालना है, ये संस्कार होते थे। और फिर वापस घर आ जाते थे। पहले दिन तन गया मंदिर, धन गया, तो दूसरे दिन शाम होते वो बच्चा फिर अपने दादा के पास जाता है, चलो चलो, उसको पूछो कहाँ जाना है, तो कहता था जय जय जाना है ना। तो दूसरे दिन मन गया, पहले दिन तन गया, धन गया, तो दूसरे दिन मन जाता है। और मान लो कि दूसरे दिन दादा ने कह दिया आज मैं बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, आज नहीं चलेंगे, तो पोता क्या करेगा, वो दादी के पास जाएगा, दादी चलो चलो, कहां जाना है, जय जय जाना है। अच्छा चलो, दादी लेकर के गई उसको मंदिर,
तो दादी का घुटना ठीक नहीं है, इसलिए दादी ने खड़े होकर के हाथ जोड़ लिया। तो पोता क्या करता है, दादी को कहता है साष्टांग प्रणाम करो। कल दादा ने तो साष्टांग किया था, साष्टांग करो। पोता क्या कह, जब पोता ये कहता है, दादी क्या कहती है, तू कर ले, मेरे घुटने ठीक नहीं है। तो फिर वो कर लेता है। उसके बाद अगर दादी मुड़ करके निकलने लगी तो वो फिर साड़ी खींच के कहता है, डालो इसमें पैसा डालो, इशारा करके, बोलना नहीं आता है, डालो इसमें। अब दादी कहती, मैं तो पर्स लाना ही भूल गई, मेरे पास तो है, ऐसे कैसे जा सकते। वो पैर ठोकने लगता है, डालो इसमें, डालो इसमें, है ना। और फिर अगर दादी के पास नहीं है तो कोई आसपास खड़ा होता है, देखता है, अरे बच्चा जिद कर रहा है, वो उसको एक रुपया देता है, ले डाल दे। वो डाल देता है, उसको खुशी होती है, मैंने डाला। तो पहले दिन तन गया, धन गया, दूसरे दिन मन गया, तन गया, धन गया। इससे शुद्धिकरण होता था। लेकिन आज न्यूक्लियस फैमिलीज हो गई, माता पिता शहर में रहते हैं, दादा दादी नाना नानी गांव में रहते हैं। अब बच्चों को मंदिर ले जाने वाला कोई नहीं है, और इसीलिए माँ बाप भी काम पर होते हैं, बच्चे घर में होते हैं, पढ़ाई करते हैं या टीवी देखते हैं या ऐसे ही खेल कूद में या मोबाइल लेकर के बैठ जाते हैं। आजकल तो मोबाइल में खेलते रहते हैं। अब मंदिर वाली बात तो रही नहीं, तो आज के संस्कार क्या है कि माता पिता जब काम से आते हैं, माँ किचन में जाती है कुछ बनाने के लिए, पिता एकदम टेंशन में है, वो पैसा निकालता है और बच्चे को कहता है, बहुत सर दर्द करता है, तो नीचे जा बिल्डिंग में, और वहां जो एक दुकान है वहां दुकान से एक सिगरेट का बॉक्स लेके आ। अब बच्चा पैसा लेकर के गया, तन गया, धन गया, सिगरेट का बॉक्स खरीदा, लेकर आया और फिर उसके पिता को दिया। पिता ने सिगरेट जला करके पिया। एक सिगरेट पीने के बाद वो कहता है, हल्का हो गया माथा, नहीं तो बहुत टेंशन हो गया था। अब बच्चा, बच्चे के मन में जिज्ञासा होती है, ज्ञान तो चाहिए ना, संस्कार है आत्मा के अंदर, सबसे पहला स्वधर्म है ज्ञान। तो बच्चे के मन में जिज्ञासा होती है, ये धुआं निकालने से सरदर्द कैसे ठीक होता है। अब जिस दिन पिता घर में नहीं है सुबह और उसका सिगरेट का पैकेट वहां पड़ा है, बच्चे को मन होगा मैं ट्राई करूं, और छुप करके वो भी पी करके देखता है और उसको लगता है कि हाँ बड़ा अच्छा लगा, अच्छी फीलिंग, टेम्पररी अच्छी फीलिंग आती है। या शराब पीने के बाद जब पिता कहता है, हाँ टेंशन दूर हुआ, हल्का हो गया, बच्चा सोचेगा मैं भी थोड़ा पी करके देखूं। आज क्या संस्कार है, तो आज जीवन रूपी यज्ञ अशुद्ध हो गया है, क्योंकि तन मन धन किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसीलिए भगवान ने अर्जुन को कहा कि ये जीवन रूपी यज्ञ के शुद्धिकरण करना है, उसको प्यूरिफाई करना है। तो ज्ञान को, स्वधर्म को अप्लाई करना, जो पहला क्वेश्चन उसका था, ज्ञान योग श्रेष्ठ है या कर्म योग श्रेष्ठ, तो इसीलिए कहा कि कर्म योग और ज्ञान योग, ज्ञान को जब कर्म में अप्लाई करते हैं तो ये जीवन रूपी यज्ञ का शुद्धिकरण होता है। नहीं तो आजकल जो मनुष्य कर्म करता है, जैसे कहा अशुद्ध कर्म में व्यस्त है, तो बंधन बनने लगता है, जीवन एक बॉन्डेज बनने लगता है। और इसीलिए भगवान कहते संग दोष से अपने आप को अलग रख करके कर्म का आचरण कर।
जितना हम संग में फंसते जाएंगे तो जीवन रूपी यज्ञ अशुद्ध होता जाएगा। इसलिए ऐसे संग दोष जिसको कहा जाए उस संग दोष से अलग रहना है। फिर आगे भगवान ने बहुत सुंदर बात कही है कि प्रजापिता ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रच कर कहा कि इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। एक बेहद का यज्ञ रचा, ज्ञान यज्ञ, जिस ज्ञान यज्ञ में आत्मा का शुद्धिकरण हो सकता है। तो इसीलिए कहा कि प्रजा सहित रच करके, यज्ञ सहित प्रजा को रच कर कहा इस यज्ञ के द्वारा तुम वृद्धि को प्राप्त करो, माना जीवन में आगे बढ़ो, उन्नति करो। यह यज्ञ जिसमें तुम लोगों का अनिष्ट नहीं है, माना कुछ भी खराब नहीं है, विनाश रहित इष्ट संबंधी कामना की पूर्ति करेगा, जहां तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होने वाला है लेकिन तुम्हारी हर इच्छा की पूर्ति होगी। इस यज्ञ के द्वारा देवताओं की उन्नति करो। देवताएं यहां मतलब है कि आत्मा के अंदर जो दैवी संस्कार है। देवताएं माने कौन? जिसके अंदर दैवी संस्कार है। तो कहा इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो, यानी जो तुम्हारे अंदर दैवी संस्कार है, जब शुद्धिकरण हो जाता है, शुद्धिकरण होने के बाद तुम अपने दैवी संस्कारों की वृद्धि करो, अर्थात उसको डेवलप करो। वे दैवी संस्कार, वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करेंगे और आराध्य संबंधी भोगों को उपलब्ध करेंगे। तुम्हारी जो मन इच्छित फल होगा, जितना जीवन का प्यूरिफिकेशन होगा, शुद्धिकरण होगा और दैवी संस्कार हमारे डेवलप होंगे, तो वो दैवी संस्कार हमारी हर शुद्ध मनोकामना को पूर्ण करेगा। कितनी सुंदर बात यहां भगवान ने कही। और ये बेहद का यज्ञ, इसीलिए आज हमें समझ में आता है कि हाँ यज्ञ माना क्या। तो यज्ञ माना कोई स्थूल चीज की बात नहीं है, कोई हवन की बात नहीं है, लेकिन जो परमात्मा ने ज्ञान यज्ञ रचा है, जहां निरंतर ज्ञान हमें प्राप्त होता है, उस ज्ञान को प्रैक्टिकल अप्लाई करने से हमारे अंदर दिव्य संस्कार आते हैं और हमारा जीवन उन्नति को प्राप्त करता है, वृद्धि को प्राप्त करता है। उसके बाद एक बहुत सुंदर बात कही है कि अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है। यह यज्ञ कर्मों से ही उत्पन्न होने वाला है और पूर्ण होता है। कर्म वेद से यानी ज्ञान से उत्पन्न होता है और ज्ञान वेद अविनाशी परमात्मा ज्ञान सागर से प्राप्त होता है। माना अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है। अब सोचने की बात है, युद्ध का मैदान है और भगवान ये जब कहते हैं कि अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, कि बारिश होती है तो अनाज पैदा होता है। अब खेती बाड़ी की बात, ये तो खेती की बात है कि भाई अन्न की उत्पत्ति कैसे होगी, तो कहा बारिश होगी तो अन्न की उत्पत्ति होगी। और बारिश कैसे होगी, तो कहा वृष्टि से, यज्ञ से। बारिश कैसे होगी, तो कहा यज्ञ से। इसलिए आज अगर कहीं अकाल पड़ता है तो वहां भी लोग हवन करते हैं। भगवान ने गीता में कहा है कि यज्ञ से ही बारिश होगी, लेकिन वास्तव में सोचने की बात है, अगर युद्ध का मैदान है, अर्जुन एक क्षत्रिय है, कोई किसान तो है नहीं, फिर उसको ये बात सुनाने की क्या जरूरत है, खेती बाड़ी की बात सुनाने की क्या आवश्यकता है। लेकिन वास्तव में ये इसके पीछे बहुत गहरा अर्थ है। अन्न की उत्पत्ति, आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन है शुद्ध विचार। तो शुद्ध विचारों की उत्पत्ति कहां से होगी,
तो कहा वृष्टि से, वृष्टि यानी कृपा वृष्टि। कृपा वृष्टि किसके ऊपर होती है? तो कहा यज्ञ से, जिसका जीवन रूपी यज्ञ शुद्ध होता है। कोई बच्चा शुद्ध है, बहुत इनोसेंट है, प्योर है, उसके ऊपर ब्लेसिंग्स, बहुत सुखी होना, आगे बढ़ना, ये अपने आप निकलता है क्योंकि इतना प्योर है। इसलिए कहा यह यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला है कि जिसके कर्म अच्छे हैं वही जीवन रूपी यज्ञ का शुद्धिकरण करता है। तो ये यज्ञ कर्म से उत्पन्न होने वाला और पूर्ण होता है। और कर्म अच्छे कैसे होंगे? तो कहा ज्ञान से। कर्म ज्ञान से उत्पन्न होता है, वेदों से उत्पन्न। वेदों में क्या होता है? ज्ञान होता है। तो जो ज्ञान है उसका जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर्म में होता है तब वो कर्म हमारे शुद्ध होने लगते हैं, अच्छे होने लगते हैं, जिससे जीवन रूपी यज्ञ शुद्ध होता है। और जब जीवन रूपी यज्ञ शुद्ध होता है तो उसके ऊपर स्वतः ब्लेसिंग्स, उस आत्मा के ऊपर स्वतः ब्लेसिंग्स होने लगती है। और उस ब्लेसिंग से ही इंसान को अच्छी जीवन के अंदर जो ज्ञान की बातें हैं वो अच्छा नरिशमेंट प्रदान करती है। इसलिए कितनी सुंदर बात कही है। एक बहुत सुंदर कहानी मुझे यहाँ याद आती है कि एक बार एक महात्मा था और वो महात्मा जो है अपने तपस्या में रहता था, अपना ज्ञान योग तपस्या उसकी चलती थी। एक दिन जो है एक राजा उसने बहुत उस महात्मा के विषय में सुना और यह सुना कि महात्मा का आशीर्वाद जिसको प्राप्त हो जाए उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो जब उसने ये बात सुनी तो उसको लगा कि ट्राई करना चाहिए फिर तो। तो उसने अपने मंत्री से कहा कि आप महात्मा को ले आइए, यहाँ राजभवन में ले आइए और मैं उसके उसे जो है ये मनोकामना पूर्ण करना चाहता कि मेरे राज्य के अंदर हर एक को सब कुछ प्राप्त हो, ऐसी मनोकामना मेरी है, ताकि लोग अच्छी तरह से समृद्ध होंगे, उनकी खेती बाड़ी अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा, तो लोग टैक्स भी अच्छा देंगे। तो उसके मन के अंदर एक लालच आई कि महात्मा जी को ले आइए और महात्मा जी से मैं आशीर्वाद चाहता। मंत्री जी गए महात्मा जी के पास कि हमारे राजा ने आपको इनवाइट किया है, आप राजमहल चलिए। तो महात्मा जी मुस्कुराए और कहा ठहरो, है ना, क्योंकि अगर उसको आशीर्वाद चाहिए था तो राजा खुद आना चाहिए, लेकिन उसने मंत्री को भेजा कि महात्मा जी को ले आइए, तो अभिमान भी था, इसीलिए महात्मा जी को मुस्कुराहट आई, चेहरे पर स्माइल आ गई। फिर महात्मा ने उसको कहा मंत्री को ठहरो और वो अपने कुटिया में गए और कुटिया में जाकर के वो कमंडल लेकर के आए और मंत्री जी से कहा चले। अब मंत्री जी ने इतना जल्दी तो एक्सपेक्ट किया नहीं था कि इतना जल्दी महात्मा जी तैयार हो जाएंगे चलने के लिए, तो उसने अपने कुछ सैनिकों को आगे भेज दिया कि राजा को जाके इन्फॉर्म करो महात्मा जी आ रहे हैं। तो राजा खुद स्वागत करने के लिए बाहर आया और जो है जैसे ही मंत्री और महात्मा जी पहुंचे तो बड़े धूमधाम से स्वागत किया महात्मा जी का और उसको बड़े सम्मान के साथ राजमहल में ले आया। और जब ले आया तो आसन ग्रहण करवा करके उसके पैरों को धो करके अच्छी तरह से उसका सम्मान करके
राजा ने हाथ जोड़ करके महात्मा जी से कहा कि हे महात्मन, आप राज्य की सीमा के बाहर क्यों रह रहे हैं? आप राज्य के अंदर आकर के रहो, हमारी बाउंड्रीज के अंदर आकर रहे हैं। आपको जो चाहिए, जितनी जमीन चाहिए, जितना धन चाहिए, जितनी सोना मोहर चाहिए, आप आश्रम बनाओ अपना और आश्रम बना करके वहां रहो, और जो प्रजा है उनके मनोकामना को पूर्ण करो, यही मेरी इच्छा है। तो जब कहा कि महात्मा जी आप राज्य की सीमा के अंदर आकर के रहिए, जितनी जमीन चाहिए आपको मिल जाएगी, जितनी सोना मोहर चाहिए वो भी मिल जाएगी, प्रजा का कल्याण करो। इनडायरेक्ट में ये था कि प्रजा का कल्याण होगा तो राज्य का भी कल्याण होगा, राज्य में टैक्स ज्यादा आएगा। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है, मैं राज्य की सीमा के अंदर आके रहता हूं, आप मुझे जमीन दीजिए। और फिर जो है कमंडल आगे किया महात्मा जी ने और कहा कि ये कमंडल भर करके सोना मोहर दे दो, गोल्ड कॉइन्स दे दो। अब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, अभी तो जमीन दी नहीं पूरी और सोना मोहर मांग लिया, और वो भी कमंडल भर करके। राजा ने कमंडल उठाया तो देखा कमंडल इतना गंदा था, कितने दिन का पड़ा होगा, जाले लगे हुए थे अंदर में, बदबू मार रहा था, अब उसमें सोना मोहर कैसे डाले। तो राजा ने अपने जो दास दासियां थे महल में उनको बुलाकर कहा ये कमंडल साफ करके ले आओ, अच्छी तरह साफ करना। तो वो कमंडल साफ करके ले आए, राजा ने अपने सिल्क के कपड़े से उसको पोछा और फिर उसके अंदर सोना मोहर भरी और सोचा कि अब महात्मा जी आशीर्वाद करेगा, और वो तो सिद्ध पुरुष है, उसका हर आशीर्वाद सफल हो जाएगा। तो हाथ जोड़ करके खड़ा रहा, सोचा अभी आशीर्वाद करेंगे, लेकिन महात्मा जी मौन हो गए, कुछ भी बोले नहीं। बड़ा आश्चर्य हुआ राजा को कि इतनी सोना मोहर दिया फिर भी आशीर्वाद नहीं मिला। तो फिर राजा ने कहा महात्मा जी से, महात्मा जी आशीर्वाद तो दे दीजिए। तो भी महात्मा जी कुछ नहीं बोले, मौन रहे। दूसरी बार कहा महात्मा जी को कि महात्मा जी आपकी कृपा वृष्टि हो जाए, आपके आशीर्वादों की वर्षा हो जाए मेरे ऊपर। तब महात्मा जी ने कहा पहले पात्र साफ करो। राजा ने कहा मैं समझा नहीं। तो कहा जिस तरह ये कमंडल गंदा था और गंदे कमंडल में तुमने सोना मोहर नहीं डाली, पहले साफ करवाया, क्योंकि इतनी कीमती सोना मोहर गंदे पात्र में कैसे डाले। ठीक इसी तरह आशीर्वाद इतनी कीमती चीज है कि मन के अंदर भावनाओं में अगर मैलापन है तो वहां आशीर्वाद काम नहीं करता है। मन के पात्र को शुद्ध करना जरूरी है। जितना मन का पात्र शुद्ध होगा तो मन की शुद्धि कैसे होगी, तो कहा तन मन धन। जहां तन जाता है तो देखो किस दिशा में तन जा रहा है, मन वहां जाएगा, धन कहां जा रहा है। धन भी अगर शुद्ध कार्य में जा रहा हो तब तो मन का शुद्ध, मन तो लास्ट में आता है, पहले तन जाता है फिर धन जाता है उसके बाद मन जाता है। तो इसीलिए मन के पात्र को शुद्ध करना है तो तन को अच्छे कार्य में लगाओ, ज्ञान का एप्लीकेशन कर्म में लाओ, धन को अच्छे मार्ग पर यूज करो, क्योंकि जिस दिशा में धन गया
उसी दिशा में व्यक्ति खुद भी जाएगा और उसका मन भी जाएगा। इसीलिए तो दुनिया के अंदर भी आज देखा जाता कि कोई रिश्वत लेता है, कोई बुरे रास्ते से अगर धन आता है, रिश्ते रिश्वत को बुरा रास्ता क्यों कहा? क्योंकि देने वाला खुशी से तो नहीं देता है, उसके मन में तो अंदर से तो गाली निकलती है कि ये इतना भ्रष्ट व्यक्ति है, और भ्रष्ट व्यक्ति आज मेरे से इतना पैसा निकलवा रहा है, तो उसके मन से तो दुआएं तो नहीं निकलती, बद्दुआएं निकलती है। और वो पैसा जब घर में आता है तो वो घर को सुख चैन वाला बनाएगा या अशांत करेगा, क्या करेगा? इसीलिए कहा जाता है कि घर के अंदर जो धन आता है वो भी शुद्ध मार्ग से अगर आता है, सच्ची कमाई का अगर आता है, तो घर में भी सुख शांति होती है। तो इसीलिए भगवान ने कहा अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है। अन्न यानी जो मन के अंदर अच्छे विचार, जो नरिशमेंट है, वो अच्छे विचारों का नरिशमेंट मन को जब मिलता है तो कैसे मिलता है? इतने अच्छे कर्म करो आप, और वो अच्छे कर्म करने के लिए ज्ञान सागर परमात्मा से जो ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान को प्रैक्टिकल कर्म में अप्लाई करो, तब अच्छे कर्म होगा। अच्छे कर्म होगा तो जीवन रूपी यज्ञ शुद्ध होगा, और जिसका जीवन रूपी यज्ञ यानी तन मन धन शुद्ध होगा, ऐसा शुद्ध पात्र के ऊपर आशीर्वाद की वर्षा होती है। तो मन का नरिशमेंट क्या है? खुशी, आनंद, प्रेम, ये सब जो मन का नरिशमेंट, जो हमें मेंटली भी हेल्दी करता है। तो मन के अंदर कभी डिप्रेशन नाम की चीज नहीं आएगी। कितनी गहरी बात भगवान ने अर्जुन को यहां समझाई, यानी हम सब अर्जुन को, क्योंकि हम सभी का जीवन संघर्ष वाला बन गया है, अशांत हो गया है, युद्ध का क्षेत्र हो गया है। क्यों? क्योंकि ज्ञान का एप्लीकेशन नहीं है, और जीवन रूपी यज्ञ जब शुद्ध ही नहीं है, तन मन धन शुद्ध ही नहीं है, तो वो मन के अंदर जो नरिशमेंट आत्मा को चाहिए, खुशी, प्रेम, आनंद, उमंग, उत्साह, वो कहां से आएगा? तो जीवन जीने की कला भगवान सिखा रहा है अर्जुन, कि जीवन जीना है, खुशी वाला जीवन एक्सपीरियंस करना है, तो उसके लिए जीवन रूपी यज्ञ को शुद्ध करना बहुत आवश्यक है ना। तो लाइफ के लिए जो आर्ट ऑफ लिविंग होता है, जीवन जीने की एक कला होती है, वो भगवान ने अर्जुन को सिखाई। उसके बाद बहुत सुंदर बात आगे भगवान कहते हैं अर्जुन को, और वो है कि इस सृष्टि चक्र के अनुसार जो नहीं बरतता है वो पापायु, इंद्रियों का सुख चाहने वाला व्यर्थ ही जीता है। माने ये सृष्टि चक्र का एक नियम है, वो नियम के हिसाब से ही चलता है, और जो मनुष्य उस नियम के हिसाब से नहीं चलता है वो पापायु, माना वो पापी है। वो इंद्रियों का सुख चाहता है कि भाई मेरी इंद्रियों को आराम मिले, मेरे नैनों को आराम मिले, मेरे मुख को आराम मिले, मेरे तन को आराम मिले, तो इंद्रियों का सुख चाहने वाला व्यर्थ ही जीता है। अर्थात यज्ञ ऐसी विशेष विधि है जिसमें इंद्रियों का आराम नहीं है, है ना। यज्ञ सेवा जब करते हैं हम तो उसमें आराम नहीं है, अपितु अक्षय सुख के प्राप्ति है, अक्षय सुख मिलता है। इंद्रियों का संयम के साथ इसमें लगने का विधान है, हाँ, एक रूल है, एक लॉ है, जो इंद्रियों को हम संयम के साथ इस यज्ञ सेवा में लगाते हैं, इंद्रियों का आराम चाहने वाला पापायु है। आजकल के बच्चे क्या कहते हैं, तो अगर माँ बाप उनको कोई काम देते हैं, बेटा ये काम करो, तो क्या कहते हैं, अभी मैं सोया हूं,
अभी मैं रेस्ट कर रहा हूं, अभी मैं उठना नहीं। वो अपने इंद्रियों को आराम दे रहा है, उसको नींद नहीं आ रही है, लेकिन अपने इंद्रियों को आराम दे रहे। तो क्या कहा उसको भगवान ने गीता में? पापी कहा कि इंद्रियों का आराम चाहने वाला पापायु है। पापायु माना पापी है, आलस्य उसके अंदर आ रहा है। तो इसीलिए कहा कि इस यज्ञ के लिए इंद्रियों को आराम नहीं लेकिन अक्षय सुख। कोई व्यक्ति जब यज्ञ सेवा करता है, जीवन का शुद्धिकरण करने के बाद उसको कितना इनर सेटिस्फेक्शन मिलता है, कितना सुकून मिलता है। इसीलिए ये सृष्टि चक्र का नियम है। सृष्टि चक्र के नियम के अनुसार जो चलता है, अर्थात तन मन धन को यथार्थ मार्ग पर लगाकर सुखी होता है, उसको अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। अक्षय सुख, बहुत सुंदर एक बात याद आती है यहां पर कि एक बार एक व्यक्ति था, मेंटली बहुत डिस्टर्ब था, परेशान था, दुखी था। तो वो अपने गुरु के पास जाता है और गुरु के पास जाकर उसने गुरु से कहा कि हे गुरु जी, मुझे ऐसी कोई विधि बताओ जो मुझे सदा सुखी होना है। तो गुरु जी ने कहा बस इतनी सी बात, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बहुत अच्छी बातें सुनाऊंगा सुखी होने की। तो नदी के किनारे आश्रम था गुरु जी का, तो गुरु जी उस व्यक्ति को लेकर के चलने लगे कि चलो नदी तक जाके आते हैं। अब चलते चलते अच्छी अच्छी बातें सुना रहे थे ज्ञान की। तो गुरु जी बहुत अच्छी अच्छी बातें सुना रहे थे और इसीलिए जो है वो व्यक्ति बड़ा खुश हो रहा था। वाह गुरु जी, वाह गुरु जी, कितनी अच्छी बातें बताई, कितनी अच्छी बात सुनाई आपने। ऐसे खुशी से जैसे गुरु जी की हर बात को सुन रहा था, एक्सेप्ट कर रहा था। फिर रास्ते में एक बड़ा पत्थर पड़ा था, तो गुरु जी ने कहा आप ये पत्थर उठा सकेंगे? कहा उठा लूंगा, ज्यादा बड़ा नहीं था तो उठा लिया। गुरु जी ने कहा उसको आश्रम पर ले चलेंगे और आश्रम ले जाकर के मुझे एक जगह पर रखना है। कहा ठीक है उठा लूंगा। उठा लिया उसने, उठा लिया और चलने लगा, लेकिन पत्थर बहुत हैवी था, तो जो स्पीड थी उसकी चलने की वो धीरे धीरे स्लो होने लगी। गुरु जी अच्छी अच्छी बातें सुना रहे थे लेकिन इतना पत्थर हैवी था कि धीरे धीरे उसके कदम पीछे हो गए और वो बहुत पीछे रह गए। अब उसको गुरु जी की बातें सुनाई नहीं दे रही थी कि गुरु जी क्या सुना रहे, तो वो बोल नहीं रहा था वाह गुरु जी वाह गुरु जी, जैसे पहले कर रहा था ऐसे नहीं कर रहा था। तो गुरु जी ने कहा अरे तू तो कुछ बोल ही नहीं रहा, मैं इतनी अच्छी अच्छी बातें सुना रहा। इतने में गुरु जी ने कहा है तू? तो उसने पीछे से आवाज दिया गुरु जी मैं पीछे हूं। अरे इतना पीछे रह गया तू? गुरु जी ने जब देखा पीछे इतना पीछे रह गया तो कहा हाँ गुरु जी ये पत्थर बहुत हैवी है ना, उस पत्थर को उठा के चलने में तो मेरी स्पीड कम हो रही है, इसलिए अभी मुझे आपकी बात सुनाई भी नहीं दिया कि आपने क्या सुनाया। गुरु जी ने कहा अच्छा अच्छा फेंक दो पत्थर। तो फेंक दिया, फिर अब हल्का हो गया, हाथ झड़ करके अब गुरु जी के साथ साथ चलने लगा। गुरु जी अच्छी अच्छी बातें सुना रहे थे और वो बार बार कह वाह गुरु जी वाह गुरु जी, बहुत अच्छी बात सुनाई। आश्रम आने के बाद गुरुजी ने कहा समझा? कहा क्या? कहा जब मैं अच्छी अच्छी बातें सुना रहा था जाते समय, तुम इतना अच्छे से सुन रहा था, वाह वाह कर रहा था, खुश हो रहा था, उसके बाद जब मैंने तुमको पत्थर उठाने के लिए कहा और वो पत्थर इतना बोझ वाला हैवी था जिसके कारण तुम्हारी स्पीड धीरे धीरे पीछे हो गई, तुमको मेरी अच्छी बातें भी सुनाई नहीं देने लगी, और वो पत्थर जो बोझ था वो उठाकर चलने में तुम कितना
अंदर में दुखी हो रहा था और तुम्हें अच्छी बातें सुनाई नहीं देती थी। अंदर में शायद कोस भी रहा होगा, अरे कहां गुरु जी ने ये पत्थर उठाने के लिए कहा, हो गया ना। ठीक इसी तरह जीवन में अगर सदा सुखी होना है तो मन के ऊपर बोझ नहीं रखो, मन को हल्का रखो। जितना मन हल्का होगा उतना मन खुश रहेगा, इतना मन प्रसन्न रहेगा, आनंद में रहेगा। लेकिन जितना मन के ऊपर बोझ डालेंगे नेगेटिव और व्यर्थ विचारों का, और वो बोझ उठा करके चलेंगे ना जीवन में, तो कभी सदा सुखी नहीं हो सकेगा, कभी खुशी का अनुभव नहीं करेगा, कभी उमंग उत्साह का अनुभव नहीं करेगा। हम भी अपने आप को देखें, मेरे मन के ऊपर कोई नेगेटिव और व्यर्थ विचार का बोझ तो नहीं, और वो बोझ उठा करके तो नहीं चल रहे हैं। क्योंकि अगर वो बोझ उठा करके चलेंगे तो जीवन कैसा हो जाएगा, सोचने की बात है। जीवन के अंदर खुशी, उमंग, उत्साह, आनंद कभी अनुभव नहीं होगा। फिर आगे भगवान अर्जुन से कहते हैं, जनक आदि ज्ञानी जन भी अनासक्त होकर सदा कर्म करते रहे। अभी यहां जनक मना सीता के पिता जनक की बात नहीं की है, लेकिन जनक अर्थात जन्मदाता, तो योग ही जनक है जो हमारे दिव्य स्वरूप को जन्म देता है। योग हमारे अंदर की जो दिव्यता है उसको एक जन्म देता है, इसलिए एक स्पिरिचुअल नया जन्म होता है, स्पिरिचुअल बर्थ होता है। तो जनक अर्थात जन्मदाता योग ही जनक है, अपने स्वरूप को जो जन्म देता, अपने दिव्य स्वरूप को जो जन्म देता है। योग से संयुक्त माने योग से कनेक्टेड प्रत्येक महापुरुष जनक है। महापुरुष यानी जो दूसरों को भी हेल्प करता है उनकी दिव्यता को बाहर लाने में। तो जो योग से कनेक्टेड हर महापुरुष है वो जनक है। कर्मों के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हो सकते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है संसार उसका अनुसरण करता है। कहने का भावार्थ कि जो आज महापुरुष लोग प्रैक्टिकल योग और प्रैक्टिकल जीवन के अंदर जो ज्ञान की बातों को अप्लाई करके चलता है वो परम सिद्धि को प्राप्त होता है, और उसके आधार पर जो उसका आचरण होता है जीवन के अंदर, तो दूसरे लोग उसी बात को देखते हैं और वो भी उनको कॉपी करने का प्रयत्न करते हैं। तो आज प्रैक्टिकल दुनिया के अंदर देखा जाता है कि जो ऐसे महापुरुष है उनके प्रैक्टिकल कर्म का आचरण क्या है। जब उनके अंदर भी चलता है होता है तो संसार भी उसका अनुसरण करती है। अगर गुरु जी को चलता है तो हमें भी चलता है, तो क्या हुआ, तो धीरे धीरे संसार अधोगति की ओर जाने लगा। इसीलिए कहा कि अपने दिव्य स्वरूप को जन्म दो। तो परमात्मा का ज्ञान, ये गीता ज्ञान जो सच्चा गीता ज्ञान ईश्वर से हमें मिलता है, वही हमारे दिव्य स्वरूप को जन्म देता है, वही उसको बाहर ले आता है। और फिर आगे भगवान कहते अर्जुन को, हे अर्जुन, अंतरात्मा में चित्त का निरोध करके ध्यानस्थ होकर कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा, ममता और संताप रहित होकर युद्ध कर, है ना। अंतरात्मा में चित्त का निरोध, जो चित्त इधर उधर भाग रहा है, भटक रहा है, उसको बाहर की बातों से हटाकर ध्यानस्थ यानी ध्यान में लगाओ, एकाग्र करो, मेडिटेशन करो, और कर्मों को मुझ में अर्पण कर, है ना। जो अच्छे कर्म है
वो अर्पण करना है ईश्वर को। उस कर्म के अंदर आशा, ममता और संताप ये नहीं होना चाहिए। तो आशा, ममता और संताप रहित होकर के तुम युद्ध कर। अब युद्ध कर क्यों कहा? क्या भगवान को हिंसक युद्ध की प्रेरणा दे रहे थे? नहीं, भगवान ने जब कहा युद्ध कर, इसका मतलब ये था कि जैसे आज अगर प्रैक्टिकल घर में, यहाँ इंडिया में तो क्योंकि बच्चे गली में खेलते हैं, है ना, तो क्रिकेट खेलते हैं, कुछ भी खेलते हैं। अब मान लो कि एक बच्चा जाता है गली में खेलने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और वहां खेलते खेलते कुछ लोग आते हैं जो बुली करते हैं उन लोगों को, और बुली करके उनको हटा देते, बड़े लड़के हैं हटा देते, जाओ 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 यहां से हटो हटो, ये हमारी जगह है खेलने के लिए। और वो बेचारे छोटे बच्चे क्या करेंगे? शांत होकर के दूर हो जाएंगे, वहां से दूसरी जगह ढूंढेंगे खेलने के लिए, और फिर अंदर में सोचते हैं कि कहां ये बड़े लड़के रोज आकर के हमें परेशान करते हैं, अब दूसरी अच्छी जगह कोई है नहीं खेलने के लिए, और वो लोग हमारी जगह को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। बेचारे उदास हो जाते, छोटे बच्चे हैं क्या कर सकेंगे। लेकिन वो छोटा बच्चा जब घर में आता है तो अपनी माँ को कंप्लेन करता है, अपने डैड को कंप्लेन करता है कि मम्मी आज भी वो बड़े लड़के आ गए, हमको हटा दिया, हमको खेलने नहीं दिया, और कंप्लेन करता है। रोज उसकी एक ही कंप्लेन होती है रोज, क्योंकि रोज वो बड़े बच्चे आ जाते हैं, उनको बुली करते हैं, उनको हटा देते हैं, तो रोज उनकी एक ही कंप्लेन होती है। तो जब एक ही कंप्लेन होती है तो माँ क्या कहती है? रोज उसकी एक ही शिकायत, तो रोज की एक शिकायत सुनकर के माँ क्या कहेगी? माँ यही कहेगी, अरे मारो गोली उसको, वहां खेलने क्यों जाते? तुम लोग दूसरी जगह नहीं खेल सकते, तुम लोगों को पता है कि रोज वो बड़े बच्चे आने वाले हैं और खेलने वाले, तो तुम लोग अपना दूसरा कोई स्थान ढूंढो जहां तुमको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, जहां तुमको कोई हटाए नहीं। कहेगी ना माँ। अब जब माँ ने कहा कि अरे मारो गोली उस जगह को, दूसरी जगह ढूंढो, तो मारो गोली का मतलब ये थोड़ी कि बंदूक उठाकर गोली मारने के लिए कहा, नहीं, मारो गोली का मतलब है छोड़ो उस जगह को, छोड़ो। इसी तरह भगवान ने भी जब अर्जुन को कहा तू आशा, ममता और संताप रहित होकर युद्ध कर, युद्ध करने के लिए तो स्ट्रेस चाहिए, प्रेशर चाहिए मन के ऊपर, तभी तो युद्ध करे। और यहां भगवान कहते आशा, ममता और संताप। संताप माना वो स्ट्रेस, वो प्रेशर दिमाग के ऊपर, उसको छोड़ करके युद्ध कर। युद्ध कर यानी जो जीवन का संघर्ष है। तो जीवन का संघर्ष कैसे करना है? आशा, ममता और संता, ये तीनों चीज को छोड़ना है। इच्छाएं छोड़ना है, क्योंकि इच्छाएं ही व्यक्ति को बहुत ज्यादा परेशान करती है, युद्ध कराती है। ममता, मोह, मोह के अंदर ही तो व्यक्ति को स्ट्रेस होता है, है ना। और जो संताप है, टेंशन्स है, ये तीनों चीजों को छोड़ दे, और तब जीवन का संघर्ष तुम्हारा सरल हो जाएगा, है ना। और ध्यान कर, मेडिटेशन कर, यही भगवान उसको सिखा रहा है। और अच्छे कर्म, मेरे अर्थ तुम अच्छे कर्म कर। फिर आगे भगवान कहते हैं कि ये तीनों को छोड़ करके तुम युद्ध कर। वास्तव में जब ध्यान करने बैठते हैं तभी युद्ध का सही स्वरूप खड़ा होता है। और काम, क्रोध, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा आदि विकार बाधा के रूप में भयंकर आक्रमण करते हैं। इसको मिटाते हुए अंतर आत्मा में सिमटते जाना, माना समान देना, और ध्यानस्थ होते जाना ही यथार्थ युद्ध है। जो दोष दृष्टि रहित होकर श्रद्धा के साथ इस युद्ध में रत रहता है वह कर्मों के बंधन से छूट जाता है।
क्योंकि वास्तव में अगर देखा जाए तो मेडिटेशन जब करने बैठते हैं उसी समय युद्ध शुरू होता है। कौन सा युद्ध शुरू होता है, कौन सा संघर्ष आरंभ, मन का संघर्ष शुरू होता है। दिन भर में आपने जो कर्म किया उस समय रियलाइजेशन नहीं होता है ना। किसी को दो गाली भी दिया, बच्चे को थप्पड़ भी मारा, कोई नॉर्मल समझते रहे है ना, और यही सोचा ये तो नॉर्मल लाइफ है, हर कोई करता है, गुस्सा तो हर कोई कर रहा है, ईर्ष्या तो हर कोई कर रहा है, तो उसको नॉर्मल समझा। लेकिन जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं और मन को लगाना चाहते हैं परमात्मा में, लेकिन उसी समय हमारे कर्मों का रियलाइजेशन शुरू होता है, और उस समय जब कर्मों का रियलाइजेशन शुरू होता है तो मन कहां जाता है, मन उन्हीं कर्मों में चला जाता है। अरे आज मैंने इसको ये बात कह दी, मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, ने? उस समय रियलाइजेशन। अभी मान लो कि उसके पेट में तो कोई बात रहती नहीं, मैंने भी उसको ये बात कह दी, अब उसके पेट में तो कोई बात रहती नहीं है, उसने जाकर फलाने को सुना दिया, बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, अब मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा, मेरा भाव ऐसा नहीं था, मेरा मतलब ऐसा नहीं था, तो मन चला गया, कहाँ गया, जो दिन भर में कर्म किया उसके पीछे गया। इसलिए मनुष्य जब ये कहता है ना, मेरा मन लगता नहीं ईश्वर में, भगवान को याद करने बैठते और पता नहीं कहां कहां चला जाता है, कहां जाता है, कभी उसका पीछा करके देखा कि हमारा मन जाता है तो कहां जाता है, तो देखा जाता है दोष दृष्टि, जहां हमने किसी के दोष देखे। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा दोष दृष्टि रहित होकर श्रद्धा के साथ तुम कर्म करो। दोष दृष्टि, जो दूसरे के पर चिंतन हम करते हैं, दूसरे के दोष को देखते हैं और उसका चिंतन करते हैं, हाँ इसके अंदर तो है ही ये बुरी क्वालिटी, ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही वैसा, तो ये दोष दृष्टि जो है वो श्रद्धा के साथ हमें कर्म करने नहीं देता है। इसलिए हमारे कर्मों में बंधन क्रिएट होता है ना। तो कितनी सुंदर बात कही कि ध्यान में मन को एकाग्र करना है, मेडिटेशन करना है, तो दोष दृष्टि, किसी के अवगुण देखना, किसी की बुराई देखना, अरे हर इंसान के अंदर बुराई है, और हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो यही कहा जाता है प्रोजेक्शन एंड रिफ्लेक्शन थियरी। ये मैनेजमेंट का एक सिद्धांत है, प्रोजेक्शन रिफ्लेक्शन थियरी, यानी हम किसी के अंदर जो प्रोजेक्ट करते हैं कि ये व्यक्ति बहुत बुरा है, तो बुरा क्यों हमने कहा, उस व्यक्ति को बुरा क्यों कहा, और वो अवगुण मुझे क्यों दिखाई दिया, मैंने जो प्रोजेक्ट किया। तो कभी कभी कहा जाता है कि हम अपना ही रिफ्लेक्शन प्रोजेक्ट करते हैं, है ना, अपना ही रिफ्लेक्शन किसी में प्रोजेक्ट करते हैं, इसीलिए हमें उसकी वही बुराई दिखाई दी। आज एक व्यक्ति के अंदर 10 बुराई है, लेकिन हमें वही बुराई क्यों दिखाई दी, क्योंकि वास्तव में वो मेरा अपना रिफ्लेक्शन है। इसको कहते प्रोजेक्शन एंड रिफ्लेक्शन थियरी, कि वी ऑलवेज प्रोजेक्ट आवर ओन रिफ्लेक्शन इन अदर्स, दूसरे के अंदर हम अपना ही कमी कमजोरी का प्रोजेक्शन करते हैं, इसलिए हमें वही दिखाई देता है, और फिर हम उसका चिंतन करते हैं, उसको वो चीज देख करके गुस्सा आता है ना, कि ये व्यक्ति हमेशा ही ऐसा करेगा, ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वास्तव में हम जो गुस्सा कर रहे हैं उसके ऊपर नहीं, क्योंकि वो कमी कहीं ना कहीं मेरे अपने अंदर भी है, और जो मेरे अपने अंदर है तो नेचुरली के उसके ऊपर गुस्सा
हमें आता है, लेकिन उसको निकालने का तरीका मालूम नहीं। इसलिए दूसरों में हम वही देखते हैं और वही देख करके गुस्सा। तो मनुष्य का मन ध्यान में एकाग्र क्यों नहीं होता है, मेडिटेशन में एकाग्र क्यों नहीं होता है? क्योंकि दिन भर की ये जो बातें हैं हमारी, उसी के अंदर भटक रहा है। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, अंतरात्मा में चित्त का निरोध, माना चित्त को इन सब बातों, ये नेगेटिविटीज में से उसको मोड़ दो, उसको जैसे अंतरात्मा में सिमटते जाओ, संभालो अंदर उसको, और फिर ध्यान लगाओ। और जितना तुम ध्यान, कभी कभी तुम्हें अपने आप से युद्ध करना पड़ता है ना? मेडिटेशन में तो रियल हमारा एक संघर्ष होता है अपने मन के साथ। कितना संघर्ष करने के बाद थोड़ी देर के लिए एकाग्र होता है, फिर वापस भटक जाता है, फिर बाहर की बातों में चला, अरे ये बात भूल गई, ये बात कहना था, इसको ये मैसेज देना था, ये रह गया। तो ये सब उसी समय याद आता है, मेडिटेशन में याद आता है, सारा दिन नहीं याद आएगा क्योंकि उस समय कर्म में बिजी है। लेकिन जब मेडिटेशन में बैठते हैं कि वो सारी बातें याद आने लगती है, ये करना था, वो करना था, ऐसा करना था, वैसा कर, तो ये जो संताप की बातें है ना, ये जो सारे दिन की स्ट्रेस की बातें, उस समय मेडिटेशन में उसको याद नहीं करो। और याद ना आए उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, युद्ध करना पड़ता है, अपने आप से एक बैटल करनी पड़ती, फाइट करना पड़ता है, तब जाकर के कहीं धीरे धीरे मन शांत होता है, फिर लगता है। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं, नेगेटिविटी से अपने मन को मोड़ दो। लिया, फिर आगे भगवान ने बहुत सुंदर बात और मेडिटेशन से कनेक्टेड, मन से कनेक्टेड बात किया है। और अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, और प्रश्न बहुत सुंदर है जो हमारे मन में भी आ सकता है। और प्रश्न है कि हे प्रभु, मनुष्य किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? मनुष्य क्यों पाप करता है, किससे प्रेरित होता है, किससे इंस्पायर होकर के वो पाप करता है? तो भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर दिया और कहा, रजोगुण से उत्पन्न, जो सात्विक राजसिक तामसिक है, उसमें जो एकदम तामसिक भी नहीं है, लेकिन रजो गुण जो है बीच का, रजो गुण से उत्पन्न काम और क्रोध अग्नि के समान है, जो राग द्वेष के पूरक है। मनुष्य के अंदर राग द्वेष के पूरक है, काम और क्रोध उसके राग द्वेष को भड़काता है। ये ज्ञानियों के निरंतर बैरी है, बहुत बड़े दुश्मन है। काम से ज्ञान ढका हुआ है, कामनाएं जब उत्पन्न होती है, इच्छाएं, लस्ट जब उत्पन्न होता है, तो उससे उस समय ज्ञान काम नहीं करता है, तो काम से ज्ञान ढक जाता है, बुद्धि काम नहीं करती है। मन, बुद्धि और इंद्रिय इसके वास स्थान है। ये काम, क्रोध, राग, द्वेष कहाँ रहते हैं? तो कहा मन, बुद्धि और इंद्रिय इसके वास स्थान। आंखों ने देखा, मन में विचार चला, है ना? तो इसीलिए कहा कि मन, बुद्धि और इंद्रिय इसके वास स्थान है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को डिसिप्लिन कर, संयत कर मन, इंद्रियों को डिसिप्लिन कर, क्योंकि यह हृदय देश की अंतर जगत की लड़ाई है, ये वास्तव में बाहर की लड़ाई नहीं है। बहुत स्पष्ट भगवान ने यहाँ कह दिया अर्जुन को तीसरे अध्याय में ही कि ये बाहर की लड़ाई नहीं है, तेरे अंदर के दुश्मनों के साथ की लड़ाई है। जो इंद्रियों को वश करता है वह ज्ञान विज्ञान से पाप का नाश कर सकता है। ज्ञान विज्ञान माना ज्ञान और योग से पाप का नाश कर सकता है। योग एक विज्ञान है, मेडिटेशन इज अ साइंस, योगा इज अ साइंस, है ना? दूसरे अध्याय में भी कहा, योगा इज अ साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। तो यही बात यहां भगवान कहते हैं कि ज्ञान योग से तुम पाप का नाश कर सकते हो। तो इसीलिए पहले इंद्रियों को कंट्रोल कर, क्योंकि यही ये विकार रहते हैं। मन, बुद्धि और इंद्रिय
यही स्थान है जहां ये विकारों का निवास स्थान है। एड्रेस भी दे दिया कहां ये रहते हैं। क्यों मन परेशान होता है, क्यों मन को युद्ध करना पड़ता है, क्योंकि ये विकार वहां रहते हैं। इसलिए अंदर की लड़ाई है, बाहर की लड़ाई नहीं है। इसलिए एक अर्जुन की लड़ाई नहीं है, हम सब अर्जुनों की लड़ाई है। इतना गहरी बात भगवान अर्जुन को बताते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध यही मन मनुष्य से पाप कराता है, और इसीलिए इस पाप से मुक्त होना है तो ज्ञान योग और इंद्रियों को डिसिप्लिन करना बहुत जरूरी। इंद्रियां डिसिप्लिन होगी तो मन बुद्धि भी डिसिप्लिन होने लगेंगे। इसीलिए किसी ने कहा कि एक व्यक्ति ने आंखों से देखा कि कुत्ता, उसके आंगन में एक रोटी पड़ी थी या कुछ पड़ा था, उसको खा रहा है। आंखों ने देखा है ना, फिर उसने कोई लकड़ी उठाई और जोर से कुत्ते को मारा। कुत्ता को मारा और वो चला गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद वहां से वो गुजरता है, वही कुत्ता उसको काटता है, दर्द होता है, आंखों से पानी निकलता है, मनुष्य रोता है। तो कहा आंखों ने देखा था ना, इसीलिए आंखों को रोना पड़ा। ये कर्मों की गुह्यता है। आंखों ने देखा, अरे एक रोटी अगर वो खा लेता था तो क्या जाता था, है ना। तो आंखों ने देखा, या कहा जाता है कि आज एक व्यक्ति जा रहा है, उसने देखा कि किसी के बगीचे में आम का पेड़ है और उस आम के पेड़ पर आम लटका है। आंखों ने देखा, मन में इच्छा हुई खाऊं, हाथों ने लकड़ी उठाई, उस पेड़ से आम को तोड़ा, आम को तोड़ करके खाने लगा कि वो अचानक वो जिसका आम का पेड़ था वो उसने देखा, अरे ये तो मेरा आम तोड़ करके खा रहा, उसने उसको मारा, पीटा, आंखों से आंसू आया। तो कहा आंखों को रोना क्यों आया, क्योंकि आंखों ने ही तो विकर्म किया, देखा, आसक्ति जागृत हुई मन के अंदर, है ना। तो ये इंद्रियां मन बुद्धि का इतना गहरा आपस में कनेक्शन है, और ये कनेक्शन होने के कारण ही आज इंसान को जीवन के अंदर कई प्रकार की तकलीफें होती है, आंखों को रोना पड़ता है, पानी निकलता है, और अनेक प्रकार की। तो इंद्रियों को संयम में रखने के लिए इसलिए भगवान ने कहा। फिर आगे भगवान कहते हैं, जिस प्रकार अग्नि को धुआं ढक लेता है, शीशे को धूल ढक लेता है, एक आईना के ऊपर धूल जम जाती है तो वो ढक जाता है, फिर उसमें क्लियर इमेज नहीं दिखता, उसी प्रकार चेतन आत्मा पर काम के विभिन्न अवस्थाओं का लेप चढ़ जाता है। अनेक प्रकार की कामनाएं इच्छाएं होती है, तो काम के विभिन्न अवस्था, अच्छी कामना होती है, बुरी कामना होती है, एकदम तृष्णा वाली कामना होती है, एकदम इसकी तृप्ति कभी नहीं होती है, ये सदैव आग की तरह दहकती रहती है, अंदर इंसान को जलाती रहती है। इसीलिए भगवान फिर आगे कहता है अर्जुन को कि हे अर्जुन, तुम जो है स्वयं को इंद्रियातीत, माना इंद्रियों से अपने आप को परे आत्मा समझ, आत्मनिश्चय करके व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने मन को आध्यात्मिक पुरुषार्थ में लगाए। कितना सुंदर भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं कि तुम आध्यात्मिक पुरुषार्थ में अपने मन को लगाओ, क्योंकि ये आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा ही वह सदा अतृप्त रहने वाली काम वासना रूपी शत्रु को जीत सकता है और उसके ऊपर विजयी हो सकते हैं। इसलिए जितना सेल्फ डिसिप्लिन व्यक्ति के अंदर होगा, आध्यात्मिक पुरुषार्थ में अपने आप को लगाएगा, तो वो आध्यात्मिक शक्ति जो उसको प्राप्त होती है मेडिटेशन के द्वारा, उससे वो आत्मा के इन काम विकार के ऊपर जीत प्राप्त कर सकते हैं, अनेक अशुद्ध कामनाओं के ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकता है। तब अर्जुन का दूसरा एक सवाल
जो हमारे मन में भी उत्पन्न हो सकता है, और वो सवाल क्या है, क्या हम मन बुद्धि और इंद्रियों को संयत कर पाएंगे? इज इट इजी टू डिसिप्लिन मन बुद्धि और इंद्रियों को संयत कर पाएंगे? ये हमारे मन में भी आ सकता है कि क्या हम मन बुद्धि इंद्रियों को डिसिप्लिन कर सकते हैं। तो भगवान ने बहुत सुंदर कहा, अर्जुन इस शरीर से परे इंद्रियां हैं और इंद्रियों से परे मन है जो सूक्ष्म है, मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे तुम स्वयं सूक्ष्म बलवान अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा हो। इसलिए हे अर्जुन, स्वयं के आत्म बल को समझकर बुद्धि द्वारा अपने मन को वश में कर इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मारो। इंद्रियों के द्वारा यही आत्मा को मोहित करता है, यही मन को भी भटकाता है, मोहित करता है। समझ में आई बात क्या लिखा है? नहीं समझ में आई, मैं एक स्टोरी सुना करके आपको समझाती हूँ इस बात को कि भगवान ने अर्जुन को क्या कहा। एक बार एक व्यक्ति था और उस व्यक्ति के पास बहुत सुंदर घोड़ा था, इतना पुष्ट पुष्ट फर्स्ट क्लास घोड़ा था। अब जो है वो एक राजा के पास जाता है और राजा के पास जाकर कहता है कि हे राजन, मेरे पास बहुत सुंदर घोड़ा है लेकिन ये घोड़ा चंचल बहुत है। अगर कोई आपके पास ऐसा उस्ताद हो जो ये घोड़े को डिसिप्लिन कर दे, उसकी चंचलता को शांत कर दे, तो मैं उस व्यक्ति को घोड़ा फ्री में दे दूंगा या आपके राज्य में ये घोड़ा फ्री में दे दूंगा। अब राजा ने जब घोड़ा देखा तो उसको इतना पसंद आ गया, कैसा हुष्ट पुष्ट घोड़ा अपने पास ही होना चाहिए। तो उसने सोचा कि उसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे राज्य के अंदर तो एक से एक उस्ताद है जो घोड़े को ट्रेन करना जानते और उसको शांत करते, उसकी चंचलता समाप्त करते हैं, तो ऐसा ट्रेनर्स है मेरे पास। तो राजा ने कहा ऐसे नहीं, मैं आपके ट्रेनर्स को देखना चाहता हूं कि वो ये घोड़े को कंट्रोल करने में, उसको डिसिप्लिन कैसे कर सकते हैं, ये देखना चाहता। ना कोई बात नहीं, मैं बुला लेता हूं सारे ट्रेनर्स को जो घोड़े को ट्रेनिंग देना जानते हैं। कहा एक संडे फिक्स करो, सारे ट्रेनर्स को बुला दो आप राज्य भर से, और एक खुले मैदान में मैं घोड़ा लेकर के आऊंगा, और उस समय सारी पब्लिक को भी बुलाओ, वो भी देखे घोड़ा कैसे ट्रेन करते हैं, और उस समय जो उस्ताद इस घोड़े को शांत कर सकता है, ट्रेन करके उसको डिसिप्लिन कर, उसको मैं घोड़ा फ्री दे दूंगा। राजा ने कहा ठीक है, डील हो गई और एक संडे फिक्स हो गया, सारे राज्य भर से सारे ट्रेनर्स को बुला लिया गया और बुला करके सारे को इकट्ठा कर दिया गया। अब हुआ ऐसा, सारी पब्लिक भी आ गई, वो व्यक्ति जो मुसाफिर था वो भी घोड़ा लेकर के आ गया और उसने घोड़ा को उस मैदान में खड़ा किया। अब उस्ताद आने लगे लेकिन वो घोड़ा इतना चंचल था कि कोई भी व्यक्ति को नजदीक आने नहीं देता था। जैसे ही वो ट्रेनर आगे से उस घोड़े को कंट्रोल करने के लिए आए, डिसिप्लिन करने आए, दोनों पैर उछाल करके उसको अटैक कर दिया, गिर गया, कर ही नहीं सका। दूसरा ट्रेनर आया, तीसरा ट्रेनर आया, एक एक को अगर कोई पीछे से जाए तो पीछे से लात मार देता था, कोई आगे से आए उसको आगे से नजदीक नहीं आने देता था। आखिर सारे उस्ताद हार गए, कहते इस घोड़े को ट्रेन करना हमारे बस की बात नहीं, बहुत ज्यादा ये चंचल है। राजा ने सोचा कि क्या मेरे राज्य में एक भी उस्ताद नहीं? तो जो प्रजा बैठी थी देखने के लिए उसको कहा कि प्रजा में से कोई अगर ऐसा है जो इस घोड़े को ट्रेन कर सकता है, शांत कर सकता है, डिसिप्लिन कर सकता है, वो आ गया है। तो प्रजा ने सोचा जहां
ये उस्ताद नहीं, ट्रेनर्स ही नहीं कर पाए तो हम क्या करेंगे। लेकिन काफी देर से राजकुमार बैठ के देख रहा था इस सारे बात को। राजकुमार ने राजा से कहा कि मैं जाऊं घोड़े को वश करने के लिए। अब राजा का पुत्र मोह तो होता ही है, तो राजा ने उसको कहा जहां ये उस्ताद नहीं कर पाए तुम कैसे करेगा। कहा परमिशन तो दो, आकर भी रॉयल फैमिली का ब्लड था, घोड़े को चलाना जानते थे। तो उसने कहा आप मुझे परमिशन तो दो। राजा ने कहा ठीक है जाओ। काफी देर से राजकुमार देख रहा था कि घोड़े को जिस पोजीशन में खड़ा किया था वहां से लंबी परछाई गिरती थी, और वो परछाई देख करके घोड़ा बड़कता था, एक्साइट हो जाता था, और उस परछाई के नजदीक कोई आता था तो इतना भड़क जाता था जो दोनों आगे पैर उठा करके अटैक करता था। कोई पीछे से आता था तो भी परछाई दिखती थी तो पीछे से लात मार देता था। तो राजकुमार ने क्या किया, सबसे पहले घोड़े की दिशा को बदले किया, उसको धीरे धीरे घुमा करके ऐसी दिशा में खड़ा किया जो अब उसको परछाई दिख नहीं रही, परछाई पीछे पड़ रही है। और फिर पीछे से अब घोड़े को दिख ही नहीं रहा है, परछाई के पास कोई आ रहा है ऐसा तो भड़कने का कोई मतलब नहीं आता है। तो पीछे से एकदम उसके ऊपर चढ़ करके लगाम खींच लिया और घोड़ा कंट्रोल हो गया, शांत हो गया। ठीक इसी तरह हमारा मन रूपी घोड़ा जो है ना, वो भी ऐसा है, चंचल एकदम। अब इस चंचल घोड़े को शांत करना है, तो इसको शांत करने के लिए कैसे करेंगे, तो पहले घोड़े की दिशा को बदलना होगा। घोड़े की दिशा को बदलना माना जो काम विकार या कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, तृष्णाएं, जिस डायरेक्शन में वो घोड़े को खड़ा किया है उस डायरेक्शन में इच्छाएं, ये चाहिए वो चाहिए ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ये सारी इच्छाएं कामनाएं उत्पन्न हो रही है, इसलिए उसको देख देख करके घोड़ा भड़क रहा है, मन विचलित होता है। इसलिए अगर मन को शांत करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, ये इंद्रियों को डिसिप्लिन करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा, ज्ञान योग के तरफ उसको खड़ा करना पड़ेगा। अब कामनाएं पीछे हो गई, सामने क्या हो गया, परमात्मा, ज्ञान योग, और फिर आत्मा मालिक बन करके उस घोड़े के ऊपर बैठे और उसकी लगाम खींच ले। लगाम क्या है, बुद्धि। तो बुद्धि रूपी लगाम को खींचा तो मन रूपी घोड़ा शांत हो जाएगा और तब वो चंचलता नहीं करेगा। ये भगवान अर्जुन को कहना चाहते हैं। मैं फिर से पढ़ती हूं उस बात को, और जो भगवान ने अर्जुन को डायरेक्शन दिया कि कैसे उसको डिसिप्लिन करना है, तो कहा अर्जुन इस शरीर से परे इंद्रिया है और इंद्रियों से परे मन है, मन से परे मन है जो सूक्ष्म है, मन से परे बुद्धि है, वहां भी दिखाओ, और बुद्धि से परे तुम स्वयं सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा है। तो कितना सुंदर सारा कॉम्बिनेशन। इसलिए तुम स्वयं के आत्मबल को समझकर, अपने आत्मबल को समझो और बुद्धि के द्वारा, बुद्धि लगाम जो है, बुद्धि के द्वारा अपने मन को वश में कर इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मारा। ये जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, इस ये शत्रु है इंसान के, इसको तुम मारो। इंद्रियों के द्वारा, ये इंद्रियां ही उसमें देखती है, मन होता है, ये चाहिए वो चाहिए, यही आत्मा को मोहित करती है, आत्मा को अपने तरफ खींचती है। तो कितनी सुंदर तरीके से कैसे डिसिप्लिन करना है वो भी सिखाया। आज हमें भी ये भगवान की जो शिक्षा है जीवन के अंदर बहुत उपयोगी है, बहुत अच्छी है। इसीलिए आज यहाँ ये तीसरा अध्याय अंत होता है, अगली बार चौथा अध्याय देखेंगे और यहाँ समाप्त करते हुए परमात्मा को याद करेंगे।
और याद करते हुए जो आज ज्ञान की बातें, तो तन मन धन का कनेक्शन, जहां मनुष्य का धन जाएगा तन जाएगा वहीं उसका मन जाएगा, और इसीलिए मन को वश करना है, मन को डिसिप्लिन करना है, तो कैसे उसको एक सुंदर डायरेक्शन, आध्यात्मिक डायरेक्शन देने की आवश्यकता है। ये बात आज के अध्याय में हम सभी ने समझी। अभी 2 मिनट परमात्मा की स्मृति में बैठेंगे और एक गीत बजेगा, और गीत के साथ हम परमात्मा को याद करते हुए समाप्त। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे, जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे।